तो दोस्तों आज हम लोग जो एक रिव्यू लेने वाले हम लोग सीखने वाले हैं, एक हमारी एम ट्रेंगल मशीन है। ये मशीन की अगर बात करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से दिखती है, और इसका टोटली अगर वज़न देखा जाए तो 10 से लेकर के 12 किलो तक का इसका अबव में इसका वज़न होता है, डब्बे में लिखा होता है। इस मशीन में ये रोटेटर स्विच दिया होता है जिसके माध्यम से इसमें हवा भरती है, ये प्रेशर जो प्रेशर को शो करता है, और इस मशीन के अंदर ये चैनल होता है जिससे हम इसका अंदर का जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर को क्या करते हैं, शो करते हैं। टेम्परेचर को जो शो करेंगे, इधर दिखाइए क्लियर से, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, इसमें शो करते हैं। तो और इस मशीन में पीछे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर इसका स्लाइडर दिया होता है जहाँ पर आप लोग कॉम्बो डालते हो, ऐसे इसके अंदर स्पेस होता है, कितना स्पेस होता है देखिए, इतना बड़ा स्पेस होता है, इतना बड़ा कोई भी मोबाइल फ़ोन इसके अंदर घुस जाएगा। अगर हम बात करें इस मोबाइल फ़ोन डालने की, तो इस प्लेट के अंदर इतना बड़ा देखो मेरा मोबाइल फ़ोन है रख दिया, इससे बड़ा टेक्नो का भी मोबाइल फ़ोन आता है, इतना बड़ा बड़ा मोबाइल फ़ोन आता है। उस मोबाइल फ़ोन को आप इसके अंदर रख करके आप ऐसे डाल दोगे, इसको बंद कर दोगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये बहुत छोटा बबल रिमूवर है। जो लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लाइन में अगर टच ग्लास OCA का अगर काम करना चाहते हैं तो इस मशीन के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है, आजकल के पहले समय की बात करता हूँ कि यही मशीनें जो हैं 70,000, 50,000, 45,000, 1-1 लाख रुपए तक की मशीनें आती थीं, लेकिन बाद में कुछ मशीनें ऐसी भी हैं जो बहुत छोटी मशीनें आती हैं जो बबल रिमूवर के रूप में काम करती हैं। हम लोगों को क्या होता है कि जितने भी स्मार्ट मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में पहले ऐसा होता था कि टच आती थी, क्या होता था, टच आती थी, तो उसको कटिंग करके ऐसे ही बदल दिया जाता था। लेकिन आजकल के अगर प्रेजेंट टाइम पे अगर देखा जाए तो 100 में से 90% मोबाइल फ़ोन ग्लास वाले आ गए हैं, टच का काम खत्म हो गया है। रियलमी के अंदर, ओप्पो रियलमी के अंदर, ओप्पो A1 के है, रियलमी C2 है, कुछ एक आध मोबाइल फ़ोन आते हैं जिसमें टच आती है, बाकी फ़ोन में टच आता ही नहीं, सब में 100% ग्लास ही आता है। जब सब में ग्लास ही आता है तो ग्लास को क्या करना पड़ेगा, आपको पंच करना पड़ेगा। अगर ग्लास को अगर आप ऊपर से ऐसे रख देंगे तो टच प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी, उसमें गैप बना रहेगा, वाइट वाइट दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा और डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी। तो हम लोग ये समझने वाले हैं इस मशीन को ऑपरेट कैसे किया जाता है। ये मशीन मार्केट में 12,000, 13,000, 14,000 रुपये की ऐसी रेंज में मिल जाती है। इस मशीन को चलने के लिए 250 वोल्ट करंट चाहिए होता है, 250 वोल्ट करंट से ऑपरेट कर सकते हैं। इसी मशीन के लिए अगर आप दिल्ली जैसे शहर में अगर इसी मशीन को परचेस करने जाते हैं तो 70,000, 80,000 रुपये, 1-1.5 लाख रुपये तक मशीन का पैसा चार्ज करते हैं। वो लोग कभी भी इस छोटी मशीन का सजेशन देते ही नहीं है, इसलिए देते क्योंकि 14,000, 12,000 की मशीन होगी तो उसमें से कौन पैसा उनको कमाई मिलेगा, प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं भाई। 15,000, 10,000 का आइटम है, उसमें 500 रुपये बचेगा, 1,000 रुपये बचेगा, लेकिन 70,000 में से उनको कम से कम 10,000, 20,000 बचने वाला है। वो लोग छोटी मशीन को हमेशा बेकार बोलते हैं, कहते तो छोटी मशीन बेकार है, लेकिन बात काम करने की बात रही तो अगर हम कहते हैं कि हम इसको सालों साल से काम करते हुए आ गए, आज तक भी मशीन चल रही है, कम से कम 1,000 स्टूडेंट है जो आज सीख करके इस मशीन का यूज कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से मोबाइल फ़ोन को ठीक करते हैं, ग्लास पंच करते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन जो फर्स्ट टाइम लेने जाता है तो मुझे लगता है कि 70,000, 80,000, 1 लाख रुपये लेकर के अगर तुम डिस्प्ले OCA रिपेयरिंग की मशीन खरीद करके लाओगे, उतने में तो तुम पूरा काम भी सीख लोगे, सामान भी खरीद लोगे, दुकान भी खोल लोगे, सारा काम कर लोगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अगर सारे टूल्स की बात करें तो 40,000 रुपये से सारे टूल्स नहीं आते, जिसमें सारे हार्डवेयर, सारे सॉफ्टवेयर, सारे OCA रिपेयरिंग सब चीज़ें। और ये मशीन जो है, ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, इन्होंने अयोध्या के रहने वाले हैं, इन्होंने पूरा काम सीखा, काम सीखने के बाद कम से कम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मार्केट घूमे, सर्वे किया, एक एक करके सब चीज़ों को रेट लिया। यहाँ पर चारों तरफ मोबाइल फ़ोन के सागर मार्केट है जहाँ पर सारा सामान मिलता है, तो इन्होंने सब चीज़ों का रेट लिया, कौन सी मशीन कितने रुपए की है, टूल्स कितने का है, ये आइटम कितने का है, वो आइटम कितने का है। क्योंकि जब भी आप दुकान खोलने जाते हो तो कभी ऐसा नहीं कि आँख मीच गए और सारा सामान खरीद लाए, आपको हर एक चीज़ों का रेट का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। रेट का आइडिया तभी होगा जब आप मार्केट में जाएंगे, जब तक मार्केट में जाएंगे तब तक रेट का आइडिया नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी ऑपरेटिंग की, इस मशीन को ऑपरेट कैसे करेंगे। दूसरी बात, ऑपरेट करने के साथ साथ क्या है, मैं आपको इनसे मिलाऊंगा भी कि इन्होंने अपना दुकान खोलने में कितना पैसा लगाया है, कितना सीखने में इनका खर्चा लगा, कितने टाइम में सीखा, ताकि और भी जो लोग सीखना चाहते हैं या जो लोग सीख रहे हैं तो उनको एक एक्सपीरियंस मिले। क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा ज़िंदगी में उसी को मिलता है जो आदमी आगे काम करता है, जब आगे काम करेगा तो उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। इसको बेटा प्लग लगाओ, ठीक, जब इसको प्लग लगा दोगे तो इसमें 250 वोल्ट करंट आता है,
इसको उल्टा करके लगाइए ताकि फंसा रहेगा, निकलेगा नहीं। हाँ ऐसे, ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस मशीन को लगा देंगे। जैसे इस मशीन को लगा देंगे तो आपकी मशीन ऑन हो जाएगी। इसमें ऑन ऑफ का पीछे बटन दिया हुआ, इससे क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। आप देखेंगे पूरी मशीन, देखिए थोड़ी देर बाद ऑफ हो गई है, फिर हम लोग ऑन करेंगे, ये मशीन हमारी ऑन हो जाएगी। अब देखिए मशीन को मैं आपको ऑपरेट करना बताता हूँ, मशीन को चलाना बताता हूँ, सब लोग सीखिएगा, आप भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तुमको वहाँ जा कर के चलाना है, मोबाइल फ़ोन ठीक करना है। ये लोग तो दोबारा सीख लेंगे, तुम लोग कैसे देखोगे। देखिए ये मशीन होती है, इस मशीन को बोलते हैं बबल रिमूवर मशीन। आप इस मशीन में डिस्प्ले टच का कुछ भी काम करना चाहें तो इतना इसको ऊपर ऊपर स्पेस दिया है कि आराम से रख करके सब कुछ काम कर सकते हो। डिस्प्ले को पोसिए कर सकते हो, चिपका सकते हो, लेमिनेशन कर सकते हो, बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है। इस मशीन में से ये ऐसे लॉक दिया होता है, क्या दिया होता है, लॉक दिया होता है। इसमें कोई भी मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल फ़ोन को इसके अंदर रख देंगे, इसको बंद कर देंगे। इसको पूरा ध्यान रखना है कि पूरा फुल बंद करना है। उसके बाद इसके अंदर रेड कलर की रबड़ लगी होती है, रेड रबड़ के माध्यम से ही वैक्यूम क्रिएट होता है। इसके साथ में से तीन रबड़ एक्स्ट्रा आती हैं, अगर आपसे मान लिया ख़राब हो जाती है तो ये रबड़ को बदल सकते हो। अगर कल को तुम चाहते हो, इसके अंदर बबल रिमूवर इनबिल्ड है, ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए ये सस्ता है। अगर तुम चाहते हो कि इसके साथ में जो बड़ा सा सिलेंडर आता है 5,500-6,000 रुपये का, वो भी लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें सिलेंडर लगाने का भी ऑप्शन दिया है कि आप यहाँ से पीछे का प्लग दिया है, आप प्लग के माध्यम से इसको क्या करोगे, ऐसे कनेक्ट करोगे और कनेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको अलग कर दोगे, टी पॉइंट अलग हो जाएगा, इसमें सिलेंडर लगा दोगे। तो सिलेंडर लगाने का मतलब होता है, अगर इसका पर्सनल कल को बबल रिमूवर ख़राब हो जाता है तो तुम सिलेंडर लगा करके भी इसको चला सकते हो, और इसमें कोई फूकने वाला कोई आइटम नहीं है। और सबसे बात यहाँ पर जो दिया हुआ टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन दिया है, जब भी आप काम्बो को इसके अंदर डालेंगे तो इसका टेम्परेचर रखना होता, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी सेटिंग बजाएंगे। जब सेटिंग बजाएंगे तो 110 सेट है, कितना सेट है, 110 सेट है, तो आप इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। इसमें जो टेम्परेचर होता है ये वही टेम्परेचर होता है, सेपरेटर वाला टेम्परेचर होता है, जैसे डिस्प्ले के अंदर जो सेपरेटर नहीं होता जिससे आप कटिंग करते हो, जो ऊपर की प्लेट होती है जिसका टेम्परेचर होता है, इसको जब आप सेट करते हो तो इसको हम लोग 60, 70, 80 पे सेट कर लेते हैं। कितने पे सेट कर लेते हैं, 60, 70, 80 पे हमको सेट करना होता है। जैसे मान लिया हमने 80 पे सेट कर लिया, 80, 85 पे सेट कर लिया, उसके बाद इंटर कर दिया, आइए 80, 85 तक जाएगा। और अगर कल को तुमको कोई मोबाइल फ़ोन खोलना है, नहीं खोल पा रहे हो, तो आप सिर्फ क्या काम करिए, इसके अंदर आप मोबाइल फ़ोन को रख दीजिए, अपने नमन से गर्म हो जाएगा। अगर हाँ हाथ लगा कर देखेंगे तो देखिए अंदर गर्मी चालू हो गई है ना, ये चारों तरफ से ओवन की तरह हो जाता है, गर्म हो जाता है और चारों तरफ से मोबाइल फ़ोन को गर्म कर देता है। तो गर्म करने से क्या रहता है कि जो उसका ग्लू है, ढीला है, वो बिल्कुल ढीला हो जाता है और आसानी से फ़ोन खुल जाता है। मोबाइल फ़ोन को आप इसके अंदर ऐसे रख देंगे, ऐसे रखने के बाद फिर इसको लॉक को बंद करेंगे। लॉक बंद करने के बाद यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, बिल्ड इन कंप्रेसर। अगर बिल्ड इन कंप्रेसर का मतलब होता है, अगर आपको इसको चलाना है तो इस बटन को दबाएंगे, अगर ये बाहर वाले कंप्रेसर को चलाना है तो किसको बटन दबाएंगे, इसको बटन दबाएंगे। ये तुम्हारा स्टॉप के लिए, किसके लिए, स्टॉप के लिए, ऐसे स्टॉप करोगे तो स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको इनबिल्ट कंप्रेसर चलाना है तो इसका जो स्विच दिया होता है, आपको इसमें प्रेशर कितना देना होता है, हमको जो प्रेशर रखना होता है वो समथिंग 50 से 60 का प्रेशर रखना होता है। कितना रखना होता है, 50 से 60 का प्रेशर हमको रखना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे चालू करेंगे तो ये ऐसे सुई ऊपर जाएगी, सुई ऊपर जाने का मतलब जानते हो, इसके अंदर हवा भर रही है। अगर तुम हवा, अगर ऐसे भी प्रेशर देकर के हवा भर दोगे तब भी इसके अंदर हवा जाएगी, लेकिन हमारे अंदर इतना प्रेशर होता ही नहीं। इसको हमको काम्बो को पंच करने के लिए कम से कम 60, 70, 80 का हमको प्रेशर देना होता है। अगर देखा जाए तो हमारी जो मोटरसाइकिल का जो टायर होता है उसमें जो हम हवा भराते हैं तो उसमें 30, 35, 40 का प्रेशर रखते हैं, और इसमें उससे दुगुना प्रेशर देना होता है, इतना प्रेशर हवा भरी होती है, ठीक है ना। वो हवा क्या काम करती है, काम्बो को दबाती है, चारों तरफ से दबाएगी, हवा के माध्यम से दबाव होता है और काम्बो हमारा क्या होता है, बिल्कुल सटीक पंच हो जाता है, बबल निकल जाते हैं। चलिए हम लोग इसको चालू करने वाले हैं, जैसे हम बटन को इसको स्टार्ट करेंगे,
अच्छा ये देखिए इसमें हवा भरना चालू हो गई है, और देखो इसका सुई बता रहा है कितना इसमें टेम्परेचर हेयर बढ़ रहा है। इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी मात्रा में हमारी हवा क्या हो जाती है, भर जाती है इसके अंदर। इसको डालने के बाद हम लोग 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक का समय ले लेते हैं, फिर ऐसे स्टॉप करोगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इनबिल्ट कंप्रेसर में जाएंगे फिर से, अगर फिर इसमें हवा भरना चालू हो जाएगा। तो जितनी बार आपको कॉम्बो डालना है उतनी बार डालिए, स्टॉप करिए, डालिए, स्टॉप करिए, ताकि हवा इसमें प्रेशर बढ़ता जाएगा। यही प्रेशर जो होता है ये क्या काम करता है, कॉम्बो को पंच करता है। क्या काम करता है, कॉम्बो को पंच करता है। एक हाँ ठीक, उसके अंदर अभी कुछ है नहीं, जब पड़ेगा तो उतना दबाव देता है। इसमें काम्बो डालने के बाद आप कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कितना छोड़ देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर ऐसे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, उसके बाद इसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हवा होती है। अगर मैं देखना, अगर मैं इसको चालू कर देता हूँ तो इसके अंदर हवा बढ़ना चालू हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो उसमें हवा निकल रही है यहाँ पर, अगर इसको बंद करेंगे तो बंद नहीं कर पाएंगे, बंद नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं बंद कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हवा भर रही है। देखो है वो क्या होता है, हवा का दबाव होता है। किसका होता है, हवा का दबाव होता है, वो इसके अंदर हवा भरती है। वही हवा जो होता है वैक्यूम क्रिएट होती है, वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होता है, हमारे इसमें बबल्स निकल जाते हैं। तो ये एक छोटी सी मशीन होती है, तो इससे फ़ायदा हमको ये रहता है कि कल को जब हम रिपेयरिंग अपना काम करते हैं, जब हम अपना रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो इससे टच डिस्प्ले ग्लास कुछ भी सारे जो हैं वो हम लोग इससे आसानी से पंचिंग कर सकते हैं। एक काम्बो को पंच करने के लिए समथिंग 5 मिनट का समय लगेगा, 5 मिनट में आपका काम्बो क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने ये जो मशीन आती है, M1 Pro के नाम से मशीन आती है, और ये मशीन समथिंग कितने रुपए की आई है तुम्हारी, 12,500 रुपये की मशीन आई है। और इसी मशीन को यूज करने के लिए और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास में, जो लोग अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, और उन लोगों ने मशीन कम से कम 50-60 हज़ार रुपये पैसा खर्च करके मशीन लिया है, और उसका क्वालिटी उतना बेहतर नहीं है। और ये मशीन 4 पार्ट में आती थी, 2 पार्ट अलग होते थे, 2 पार्ट अलग होते थे, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि 2 पार्ट काम के नहीं रहते, वो हाथ से पंचिंग हो जाती है, उसको हम निकाल के बाहर रख देते हैं, बाकी बबल रिमूवर को यूज करते रहते हैं। तो ये एक छोटा सा बबल रिमूवर है, इसके माध्यम से हम लोग बबल को निकाल सकते हैं। तो मैं आपको मिलाता हूँ कि हमारे पास जो स्टूडेंट हैं किस तरीके से अपना पूरा कोर्स कम्प्लीट करते हैं। आप बताइए सर, आपने टोटल कितना आपका एक्सपेंस आया है, और कहाँ से हैं, कब दुकान ओपन होने वाली है। आज इन्होंने सारे बच्चों की मिठाई भी खिलाई है, सबको मिला है कि नहीं मिला, नहीं मिला तो अभी कह सकते हो, ताकि अभी गए नहीं है। तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान को खोलें, और हमारा लाइफ का भी एक मिशन है कि जितने भी सारे बच्चे हैं सब लोग सीख करके अच्छी तरीके से सेट हो जाएं, बढ़िया तरीके से काम करें, और हमारी तरफ से उनको पूरा कंप्लीट सेटअप सपोर्ट सब तरीके से हेल्प मिलती रहेगी। तो सर आप बताइए कितना सारा सब कुछ आपको एक्सपेंस हुआ है, ताकि ये लोग जो सीख रहे हैं तो ये लोग भी अपना माइंड मेकअप करके चलें,
कि हमको कितना तक एक्सपेंस है। और मैं ऐसे लोगों से भी मिलाऊंगा जो लोग अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, इसको लेने के लिए उन्होंने कितना पैसा लगाया हुआ है, बताइए सर। जी सर, हेलो, सभी भाइयों को नमस्कार। हमने तो सबसे पहले, जब बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, क्वालिफिकेशन से तो नहीं बताएंगे हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत पढ़े लिखे हैं ये बात नहीं है, तो हमने इसे गन्ने के खेत में सर से इसे देख रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि जीवन तो बीत चुका आधा, आधे और बचा हुआ, आधे पर में जीना है कि मरना ये नहीं पता है। तो ऐसे गन्ने की खेती भी करते हैं हम, तो सर से बात हुई तो सर ने वीडियो कॉलिंग से अपना पूरा ही सेटअप हमको दिखाया, हमको अच्छा लगा। और हम कुछ भी नहीं जानते थे मोबाइल के बारे में, ए टू जेड क्या होता क्या नहीं होता ये नहीं पता है, क्योंकि मोबाइल चलाते भी हैं लेकिन बस उठाना बात करना इतना जानते थे। तो सर का वीडियो भी देखे और इनके मार्गदर्शन के आधार पर हमने आज जो है पूरा कोर्स सीख लिया, मोहित सर के नेतृत्व में, सर के नेतृत्व में, अमित सर के नेतृत्व में हमने सीखा। और आज हमने ये पूरा जो है सर से ही टूल खरीद लिए, कुछ बाज़ार से मार्केट से लिए हैं टूल वगैरह, और सीखने के बाद अब हम 27 तारीख को ओपन करेंगे, जो आप सबसे शुभकामना चाहते हैं। और सर ये बताइए, ताकि आपका कितना टोटल सामान लिया, कितना पैसा लगा, कितना खर्चा लगा, कितने कैसे से लिया? अब सर टोटल जो टूल की बात है तो शायद 23,500 समथिंग ये लगा है, और बाज़ार से कुछ सामान तो है जो 15-20 हज़ार का लगा है, ये है बस। हाँ, यही हमारा जो है टोटल खर्चा लगा है। टोटल लगा देखा जाए तो इन्होंने 22-23 हज़ार रुपये का टोटल सारा सामान आया है, और टोटल जो एसेसरीज लिया है, जैसे चार्जर है, हैंड फ्री है, डाटा केबल है, टैम्पर है, ये सारा सबको ले करके इन्होंने 15,000 रुपये तक, 16,000 का सामान लिया है। हाँ सर, पूरा सामान ले लिया। अब जो हमारे पास 55,000 तक रुपये हमने खर्च किए टोटल, अब कोई भी ग्राहक हमारे पास अगर आ भी रहा है तो वापस नहीं जाएगा, हम उतने जो है सामान खरीद लिए हैं। तो सर को एक बात कहना चाहूँगा, कम से कम सर को दो तीन दिन हो गया लगातार मार्केट में रिसर्च करते करते, इस दुकान में गए, उस दुकान में गए, यहाँ से बिल लिया, यहाँ से पूछा। यहाँ पर एक सबसे बड़ी सीखने का बड़ा एक बेनिफिट ये रहता है, लखनऊ मार्केट में भी घूम आए हैं। अच्छा जी, लखनऊ मार्केट भी 2 दिन हमने वहाँ गए घूमे, सारा कार्ड भी रखे, बात नहीं है, लेकिन हमको यहाँ के जो भी सामान और सर के नेतृत्व में जो सामान लिए वो और अच्छा ही है। तो सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपना काम सीख जाते हैं, तो सीखने के बाद अगर सामान लेना चाहते हैं, कोई टूल्स लेना चाहते हैं, कोई मशीन लेना चाहते हैं, तो मार्केट में सारा सब कुछ उपलब्ध है। तो हम ये मार्केट अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सागर मार्केट सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन का मार्केट है। दूर दूर को लोग अगर कहीं भी अगर कोई मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है ना, तो अगर उसको मोबाइल फ़ोन ठीक कराना है तो सागर मार्केट ही आता है। अगर कोई उसको मशीन चाहिए, कोई टूल चाहिए, कोई औजार चाहिए, तो भी वो यहाँ पर लेने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से सर ने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आज अपने सारा टूल्स ले लिया है, सारा टूल्स उन्होंने चलाना सीख लिया है। एक है मशीन, नई मशीन थी, तो हमने कहा कि चलो जो और भी स्टूडेंट हैं, और इसी तरीके से अभी एक और मशीन आने वाली है, हम लोग आपको वीडियो देंगे। जो पीछे का जो बैक कवर का जो प्रिंटिंग मशीन होता है, वो अभी एक स्टूडेंट का आने वाला है। तो इससे क्या होगा, जो बैक कवर का जो लेमिनेशन नहीं है, किसी का भी फोटो खींच के आप लेमिनेशन करके बना सकते हो, इस तरीके का मशीन भी आता है। तो हमारे पास जो भी ऐसे बच्चे हैं, अगर कोई भी मशीन मंगाते हैं तो उनके लिए मशीन मंगा देते हैं और वो काम करते हैं। इस तरीके से सारे लोग जो होते हैं मशीन लेते हैं, टूल्स लेते हैं और अपना काम करते हैं। और किसी भी चीज़ के बेहतर काम के शुरुआत करने के लिए एक हमारे पास एक बेहतर ट्रेनिंग होने का बहुत फर्ज बनता है, कि हमारे पास एक बेहतर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि हम सीख करके सब चीज़ों को बढ़िया अच्छी तरीके से काम कर सकें। इनके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी विशेष है, अच्छी तरीके से काम करें। और सबसे पहली बात क्या है कि हमारे लाइफ में क्या रहता है कि एजुकेशन भी जा करके एक समय पर फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? उसका सबसे बड़ा फेल का रीज़न ये रहता है कि हमारी जब एक उम्र हो जाती है, एक टाइम होता है कि हम तैयारी करते रहते हैं, सर ने बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करी, कुछ कभी कुछ रिजल्ट मिला, कभी रिजल्ट नहीं मिला, कोई छोटी चीज़ मिली उसको छोड़ दिया, अवॉइड कर दिया, क्योंकि घर में इतना सारा सब कुछ है, खेती भी है, सब कुछ काम करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम बाहर का 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 नौकरी करने के लिए अगर हम बाहर जाएंगे, तो इससे बेहतर है छोटा मोटा काम हम अपने क्षेत्र में ही डाल लें, ताकि अपना घर का भी काम देखते रहेंगे और 15-20-30 हज़ार रुपये के लिए हम लोग मोहताज नहीं रहेंगे। तो इसी तरीके से और भी ऐसे लोग हैं, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। एक हमारे पास स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज ही मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स ज्वाइन किया है, और उनका फीडबैक ये भी दिलाना चाहता हूँ कि वो पहले कहीं एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के काउंटर पर सीखते थे। वो सीखने का सबसे बड़ा औचित्य क्या था कि उनके पापा के दोस्त थे, उन्होंने बता दिया कि वहाँ पर जा करके मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीख लो। तो उन्होंने वहाँ पर काउंटर पर जा करके मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखते रहे। कम से कम 6 महीने हो गया। अगर 6 महीने में अगर मैं सरप्राइज़ की बात बताता हूँ, तो उनको रजिस्टर नहीं पता, उनको मल्टीमीटर का पूरा फुल नॉलेज नहीं है,
वो समझ लीजिए चार्जिंग कनेक्टर अच्छी तरीके से नहीं लगाते। जहाँ पर दुकान में सीखते थे तो बस वो खाली ये कहते थे कि हम चार्जिंग कनेक्टर लगा रहे हैं, तुम देखते रहो, तुम देखते रहो, तुम देखते रहो। कहते नहीं, अगर आप तुम कार चलाना सीखने गए हो तो कार चलाने वाला खुद ही चलाता रहे, तुम बगल में बैठते रहे, बस तुम देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो फिर देखते ही रहो, लेकिन तुमको खुद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब नहीं कर सकते। तो सर आप बताइए जब अपने बारे में। मेरा नाम आदित्य है और मैं बगल में एक काउंटर में सीखता था, तो वहाँ पे हमने, हमारे पापा के एक मित्र थे, उन्होंने लगवाया, तो हमारे पापा उन पर भरोसा करते थे, भरोसा करके लगाया। बट वहाँ जब हम सीखने गए तो वहाँ पे हमें सिखाया तो नहीं जाता था, बस वही मार्केट मार्केट दौड़ाना, मार्केट से आओ फिर देखो, बस यही। और प्रैक्टिकल तो नहीं करवाते थे, और करवाते वो थे जो हमें आता ही नहीं था, कहते लो अपना दिमाग लगाओ, जब तक बताओगे नहीं तो सर कैसे आएगा। इसी वजह से। कितना दिन हो गए तुमको वहाँ पर सीखते सीखते? 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। अगर 8-9 महीने अगर तुम चार्जिंग कनेक्टर लगा लेते हो सारे मोबाइल फोन के? नहीं सर, नहीं लगा पाते। सिर्फ तुम क्या करते रहे वहाँ पर? देखते रहे, देखते रहे। और 80% तो मार्केट में ही दौड़ाते थे। क्या मार्केट में? जैसे अरे मतलब कि सामान कॉम्बो लाना और टच लाना, बैटरी लाना, बस यही सब। हाँ तो मतलब मार्केट में भागने दौड़ने का काम। हाँ हाँ, रिपेयरिंग सीखने गए थे, सेल्समैन बना दिया। बस बस जी सर। तो इनको कम से कम 8 महीने होगा। कितना पैसा दिया तुमने वहाँ पर? 7,500 सर दिया था। 7,500 रुपये इन्होंने दे दिया। अब वो 7,500 रुपये की कीमत कितना है? कुछ काम लायक है कि जीरो हो गए? जीरो है सर। अब क्या गए? वो जीरो है, वो जीरो हो गए। क्यों जीरो हो गए? क्योंकि सबसे पहली बात क्या है, अगर हम कोई भी चीज़ को लेने जाते हैं, अगर हमें काम को चीज़ मिलती है तो 10 रुपये काम के हैं, अगर नहीं काम की मिलती तो 5 रुपये भी हमारे क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने ज्वाइन किया है। एक सर आप बताइए जरा अपने बारे में कि आपके पास तो ये मशीन है, आपने कितना पैसा लगा करके मशीन दिया? हाँ सर, ये तो मैंने 65,000 की ली सर। ये ले लीजिए, माइक लीजिए। हेलो, कितने साल से इस लाइन में हैं? मैं 15-16 साल, जब भी मोबाइल कीपैड का आता था छोटा सा 3310, तब से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल काम नहीं आता है। इधर 7-8 दिन हुआ मैं पूरा काम, मेरे को लगता है कि मैं सीख गया ऐसा लग रहा है मुझे। और ये मशीन का मेरे पास कंप्रेसर है सर, देखो मैंने आपको बोला था ना 65,000 का। ये 65,000 रुपये का सर मशीन दिल्ली लेने गया था, दिल्ली से 65,000 रुपये का मशीन। ये 65,000 का मशीन है जी। तो 65,000 का मैंने मशीन, एक भी मोबाइल कॉम्बो बनाया नहीं, उसमें कुछ टच का प्रॉब्लम है, फेंक दिया मैंने मशीन, फेंक दिया और क्या कर लिया। मशीन हाँ, आप सर कहाँ से हैं? मैं गोवा से हूँ सर। गोवा से, बताइए सर अपने बारे में, कैसे आए यहाँ पर आप? मैं सर का वीडियो देखा, मैं एक सर का एक सॉफ्टवेयर का वीडियो देखा, तो एकदम प्रभावित होकर मैं डायरेक्ट सर को फ़ोन किया, तो सर ने अपना पूरा लैब दिखाया और बाद में मैंने सर को फ़ोन किया तो मैं आ गया सर। तो आप यहाँ किस डेट में आए थे? मेरे को 7-8 दिन हो गए अभी। लगभग सर को कब से फॉलो कर रहे हैं? मैं सर को, सर का हर क्लास 7 दिन से फॉलो कर रहा हूँ। नहीं नहीं, इसके पहले वीडियो में कब से फॉलो? वीडियो तो 15-20 दिन से हुआ, एक महीना से हुआ लगता है। एक महीने से फॉलो कर रहे हैं। हाँ। और आपकी दुकान सर कितनी पुरानी है लगभग? मेरी सबसे पुरानी है, 15-16 साल की है दुकान। 15-16 साल से। तो वहाँ क्या क्या करते थे शॉप पे आप अभी तक? मैं वहाँ पर तो सिर्फ जैक, डिस्प्ले बदलना, जैक बदलना, बैटरी कनेक्टर बदलना, कॉम्बो डालना, आईसी का विसी का काम नहीं करता हूँ। आईसी का काम नहीं किया अभी? अच्छा, यहाँ पे आए तो आपको कैसा लग रहा है? अभी ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा सीख गया, 7 ही दिन हुए लेकिन पूरा सीख गया जैसा लग रहा है मेरे को। अच्छा फील हो रहा है ना? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपके पैसा इनकी तरह बर्बाद तो नहीं हुए? नहीं, इधर आके बर्बाद नहीं हुए, लेकिन पहले बहुत बर्बाद हो गए। बहुत जगह मैंने सॉफ्टवेयर के लिए, एक को 7,000 दिए, दूसरे को 7,000 दिए, लेकिन कुछ भी सिखाया नहीं, तो इधर आके मेरे को पूरा डिटेल ही मिल गया अभी। मतलब बहुत जगह ट्राई किया इंस्टीट्यूट में आपने? हाँ, इंस्टीट्यूट में तो एक नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑनलाइन मैंने तो वो भी ठगाया, मैं 7 दिन के बाद मैं छोड़ा, मैं खुद छोड़ा क्लास। अच्छा अच्छा, तो अभी आपको 1 हफ्ते हुए हैं,
तो ठीक है, चलिए सर हम आपको लास्ट में वीडियो बनाते हैं जब आप यहाँ से जाइएगा, ठीक है, तब आप बताइएगा सबको। मैं बताऊंगा सर, ठीक है सर। हमारे पास अभी शॉप ओपन करने के लिए, सर माइक दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास शॉप ओपन करने के लिए एक हमारे पास एक और स्टूडेंट है जिनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आशीष जी है, इनका भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है। इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, लास्ट में कोर्स फाइनल था, चले गए थे छोड़ करके। और इनका भी एक मोटिव यही है कि हमको भी अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का दुकान खोलना है। तो इनका भी पूरा फाइनली कोर्स कम्प्लीट हो चुका है। और एक एक्सपर्ट से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैं प्रोफेशनल से ट्रेनर हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। ये भी एक सर हैं जो बच्चों को सिखाते हैं, हाँ ये सर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इनका काम है बच्चों को पढ़ाना। इनका भी एजुकेशन अच्छा है, इनके छोटे भाई हैं वो आज गवर्नमेंट जॉब पे हैं, लेकिन सर ने बहुत तैयारी करी। बहुत तैयारी करने के बाद भी अगर रिस्पांस की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी जा करके एक जगह पर दम तोड़ देती है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में हमको हासिल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हासिल हो पाती? क्योंकि बाई लक, बाई किस्मत ऐसी होती कि जब नहीं मिली। सर पढ़ाते रहे, पढ़ाने के साथ साथ क्या होता है कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जब आप पढ़ाने के लिए जाते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, पूरा दिन मेहनत करते हो, तो समथिंग 7,000-8,000 रुपये जुटाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। और फिर इन्होंने, सर ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने अंदर एक स्किल लूँ। और इनके भैया ने भी बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम, मैं बाहर नौकरी कर रहा हूँ, तुम घर पे ही रहो, कोई अच्छी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोई भी सर्विस सेंटर करके अपनी दुकान खोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर आप बताइए आप अपने बारे में थोड़ा सा। सर मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ, खागा के पास। तो मैं सर को, सर का वीडियो बहुत दिनों से देख रहा था, करीब 1-2 माह पहले से। फिर एक दिन बात हुई सर से, सर ने बोला कि आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आया मैं। और यहाँ पे कितने दिन सीखा सर आपने? मैं यहाँ पे सर इसके पहले करीब 35 दिन रहा। मतलब इसके पहले क्या दोबारा आए हुए क्या? जी सर। अच्छा। सर फिर उसके बाद बीमार हो गया, तो मेरा कुछ रह गया था कोर्स, जिसको मैं कंप्लीट करने के लिए फिर से आया हूँ। आप? अच्छा सर, आपको फिर से पढ़ा रहे हैं कोर्स पूरा? जी जी। तो आपको आगे का विजन क्या है, मतलब ये आपने काम क्यों सीखा हुआ है, क्या सोचने का लक्ष्य, क्या टारगेट क्या बनाया हुआ है, आपने क्यों सीखा हुआ है? अब सर को कुछ दुकान तो किया ही जाएगा, सीखने का मतलब यही है। हाँ बिल्कुल, सीखने का मतलब यही है कि इनका यही मोटिव है कि हमको सॉल्व करना है। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो सबसे बड़ी इस केस में यहाँ पर है, कि ये आशीष जी हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ इनके एक स्टूडेंट भी हैं जो हमारे पास सीखते हैं। आप बताइए सर, मिलाइए ज़रा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कि इनके स्टूडेंट ने अपने स्टूडेंट को भी बोला कि ठीक है तुम जी को ताकि काम कर सकते। पहले मैं सर जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जैसे मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ, सर हमारे आशीष सर हैं, ये हमको पढ़ाए हैं। सर ने बताया कि अब, हमने कहा सर पढ़ाई बहुत हो गई, घर से भी मतलब कि वो रहता है, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो खर्चा नहीं है, क्या करें क्या न करें। सर ने बताया कि सर से बात करिए, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और ट्रेन कर देंगे। तो हमने सोचा, फिर यूट्यूब से हमने नंबर निकाला, सर से बात हुई कि हमने अपनी समस्या बताई सर से कि सर मैं ऐसे ऐसे कंडीशन से गुजर रहा हूँ, मैं विकलांग हूँ, पैसा भी नहीं मेरे पास है उतना। तो सर ने हमारी बहुत मदद की, यानी हमारे पिता तुल्य से ज़्यादा भी मदद की उन्होंने, जो है अपने बच्चे से ज़्यादा भी हमारा ख्याल रखते हैं। और उम्मीद है कि रखेंगे ही, ऐसे ही प्यार मिलता रहे सर से। और बस सर, और आज मैं वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास जितने सारे जो बच्चे हैं, जो लाइफ में फिजिकली चैलेंज हैं, मैं उनके लिए तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि जो मेरी तरफ से फीस में जो रहता है, अगर हमारा कुछ जो जनरली खर्चा होता है वही हम खर्चा लेते हैं, बाकी उनसे हम कोई पैसा, कोई फीस चार्ज नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आशीष जी ने हमको फ़ोन किया था कि सर हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको सीखना है और वो ऐसी प्रॉब्लम में है, तो सर क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा तुम उनके लिए भेजो मेरे पास जो मेरे से हो सकता है, क्योंकि अगर जो भी जनरली खर्चा है, टूल किट है, सामान है, उन सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, बाकी जो मेरा ट्यूशन चार्ज है वो उनको कोई चार्ज, ट्यूशन चार्ज मेरा पे नहीं करना, ताकि सीख करके अच्छी तरीके से खड़े हो जाएं और समाज में एक कर सके। कहते नहीं, ज़िंदगी में जो आदमी होता है, इंसान दो तरीके से विकलांग होता है, एक शरीर से विकलांग होता है, एक मन से विकलांग होता है। जो शरीर से विकलांग होता है उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मन से विकलांग है वो स्वस्थ आदमी भी बेकार है। अगर आपने मन में सोच लिया कि हम नहीं कर सकते,
तो समझ लीजिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने सोच लिया कर सकते हैं तो ऐसी पोजीशन में होने के बाद भी मेरे पास 80 किलोमीटर से दूर साइकिल चला करके भी समझ लीजिए आज यहाँ पर मेरे पास क्लास कर रहे हैं। तो सब लोगों से, अपने स्टूडेंट से, मैं आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सीखने में इनकी हर संभवता सभी लोग मदद करेंगे, खाली हम ही नहीं मदद करेंगे, हम सब लोग मिल करके मदद करेंगे। मिल के मदद करने का मतलब ये रहता है कि कभी भी ऐसा हरासमेंट ना हो कि इनको ऐसा महसूस हो कि हमारी सीखने में किसी भी चीज़ की कोई कमी आ रही है। अगर कोई कमी आ रही है, इनकी तरफ से कोई दिक्कत मिल रही है, तो सब लोग इनकी मदद करें, कोई सामान से लेकर के, कोई टूल से लेकर के, कोई पैसों से लेकर कोई मदद नहीं करना, फिजिकली मदद करना है कि भाई अगर तुमने खुद पानी पिया तो कम से कम उनको भी पूछ लो कि सर आप पानी पियोगे कि नहीं पियोगे, कोई सामान उनको चाहिए तो उनके लिए मुहैया करा दो। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो होती है जो शरीर से मदद कर सकते हो तो आपको इनके लिए मदद करना है और अच्छी तरीके से सिखा करके इनको खड़ा करना है और हम सबको सीख करके अच्छी तरीके से तैयार होना है। तो हमारा काम एक सीखना नहीं होता, सीखने के साथ साथ क्या होता है, एक बेहतर तरीके से काम सीखना और अच्छी तरीके से मिलजुल करके काम करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने मशीन के रिव्यू के बारे में समझा हुआ है, सर अच्छी तरीके से काम करें, हमारी तरफ से बहुत सारी विशेष हैं, अच्छा काम करें और कोई परेशानी कोई दिक्कत ना आए, और आप लोग भी ऐसे ही इन सब चीज़ों के बारे में अनुभव लेते रहें ताकि जब अपना काम करेंगे तो आपको सब चीज़ों के बारे में आइडिया होता जाएगा, मशीन चलाने का भी आइडिया होता रहेगा। लीजिए सर। Yeah.